सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय गौ माता। मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से आमिर पठान, मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गाय लेकर आया हूँ फर्स्ट लैक्टेशन की, जिसको देखते ही मेरा भी मूड एकदम रेडी हो गया था। आपने इतनी सफाई, इतने चारों थन बराबर और इतनी अच्छी एडर या तो मुर्रा की झोटियों में देखी होगी या HF में देखी होगी। इतनी गजब की फिटिंग, इतनी गजब की एडर और बिल्कुल पतली चमड़ी। आप देख लो, स्किन पे दूध की नसें भी दिख रही है, देख लो आप, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गौ माता आपको पसंद आए ना, तो आप सिर्फ स्क्रीन शॉट भेजना, कॉल मत करना, मैं आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दूँगा, ठीक है। अब रही दूसरी बात, तो इसके फीमेल काफ हुई है। बात रही तीसरी के लोग बाग कहते हैं कि यार भैया आप वीडियो डालते ही भेज देते हो, तो जिसको ज़्यादा अर्जेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन ऑल पे कर लो, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये गाय इतनी खूबसूरत है, इतनी गजब की एडर है कि आपको हज़ारों नहीं लाखों गायों में एक एडर मिलेगी ऐसी जो इस गाय की एडर है, ठीक है। ये पहला लैक्टेशन में दिया है, फीमेल काफ को जन्म दिया है, बछड़ी को, लड़की मतलब बछड़ी, और बहुत ही टॉप क्वालिटी की एडर है। और स्किन तो आपको मैं क्या बताऊँ कितनी चमक है। ये तो बिल्कुल थोड़ा शाम का समय हो गया, ये नहीं तो मैं आपको दिखा था, बिल्कुल चमकदार स्किन है और थन बिल्कुल पतली चमड़ी के, बिल्कुल रेशम की तरह, और ऐसे मिल्क वेन दिखती है, मिल्क वेन भी दिखती है, इतने अच्छे थन है इसके। और पीछे से एडर दिखाऊंगा आपको, आगे से पीछे की ओर बिल्कुल नाव की तरह। किसी भाई के पास और भी ऐसी गाय हो ना, तो उसका फर्स्ट लेने वाले अपन है। देखो आप इसकी एडर, और पीछे से पुट्ठा जमीन को टच करती हुई पूंछ, और पुट्ठे की चौड़ाई मुर्रा भैंस की तरह है, और इतनी शान स्वभाव की फर्स्ट लैक्टेशन में, इतनी शान स्वभाव की है। और मेरे हिसाब से इस फर्स्ट लैक्टेशन में 18 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी रहेगी, और दांतों में चार है। ये मैंने अभी इससे पहले भी जो वीडियो डाले वो टॉप की गायों के डाले हैं, पर मैं इसको इस साल की सबसे टॉप गाय बोल रहा हूँ। इसका हम्प देखो आप, शिवलिंग की तरह, ठीक है। जो गायों की ब्रीड के बारे में समझते हैं, जो मुर्रा के बारे में भी समझते हैं, जो HF के बारे में भी समझते हैं, वो इसकी एडर को देख के समझ जाएंगे क्या क्वालिटी है, ठीक है। और बाकी तो मैं हर किसी को तो समझा नहीं पाऊँगा, पर मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता दूँ कि इसकी एडर की जो क्वालिटी है वो आपको करोड़ों गायों में एक बार मिलने वाली है। इतनी गजब की फिटिंग की एडर क्वालिटी है, और चारों थन बराबर हैं, बहुत ही खूबसूरत। देखो आप इसकी फिटिंग, एडर, इधर ला वापस ला। देखो ये जो एडर है ना, आपको देसी गायों में बहुत ही कम देखने को मिलेगी, आपको मुर्रा भैंस में देखने को मिल सकती है। फीमेल काफ है इसके नीचे बछड़ी, और बहुत ही यूनिक प्योरिटी वाली। गलकम्बल देखो आप कितना खूबसूरत है, हम्प देखो, ये देखो आप इसके थनों का गैप, वो तो मैं दूर से वीडियो बना रहा था, अब देखो आप, ये देखो आप इसकी एडर, चला को आगे, अब इसके एडर का शेप देखना आप, थन देखो कितने प्यारे थन है। और मैं धर्म से कह रहा हूँ, इसी क्वालिटी को देख कर लेकर आया हूँ इसको। देखो देखो आप फिटिंग देखो एडर की, ये फिटिंग देखो एडर की, चला आगे चला, देखो हाँ ले लेके आ वापस। दांतों में चार ही है भैया, चार दांत है,
फीमेल काफ है नीचे, और जिसको टॉप क्वालिटी की गाय लेनी है वही कॉल करें इसके लिए, कम बजट वाले कॉल मत करना भैया इसके लिए, ठीक है। जिसको टॉप ब्रीड, टॉप क्वालिटी, टॉप सेंटेंस चाहिए गिर में, जिसको टॉप क्वालिटी चाहिए, मतलब इसकी जो दूध देने की क्षमता है, मैं 18 लीटर फर्स्ट लैक्टिशन में मान के चल रहा हूँ, सेकंड में तो 22 देगी, 23 देगी, 24 देगी, पता नहीं कितनी देगी, पर अभी फर्स्ट लैक्टिशन के अंदर मैं इसकी 18 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी मान के चल रहा हूँ। और जहाँ अपनी उम्मीद होती है गायें उससे ऊपर निकलती है, कम नहीं निकलती कभी भी, ऊपर ही निकलती है। कोई 100 में से एक गाय ही अपनी उम्मीद से खरा नहीं उतर पाती, बाकी उससे ऊपर ही निकलती है अपनी गायों की। ये क्वालिटी रही है, और मैं सिर्फ इसकी एडर देख के लाया हूँ, इसकी पतली चमड़ी देख के लाया हूँ। ये फीमेल काफ तो सिर्फ मेरे पास आके आज ही हुई है, ठीक है। ये गीला गीला दिख भी रहा होगा, कुना भी दिखा दे, गीली गीली आपको ना भी दिख भी रही होगी, पर मैं इसकी, मैं क्या बछड़ा भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसकी क्वालिटी समझ के लाया हूँ, इसकी प्योरिटी समझ के लाया हूँ। देखो देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल लेटेस्ट डिलीवरी हुई हुई है, देखो ठीक है। पर भैया आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, जिसको टॉप ब्रीड, टॉप बजट हो वही इसके लिए कॉल करें, अन्यथा समय आपका भी कीमती है और हमारा भी कीमती है, प्लीज़ समय ख़राब ना करें, ठीक है। बहुत ही टॉप क्वालिटी की गाय जो अपने घर पे रखना चाहता है, जो ब्रीडिंग के मतलब में समझता है, जो प्योरिटी को समझता है, जो दूध वाली गाय को समझता है, जो पतली चमड़ी की खासियत समझता है, जो इस एडल की खासियत समझता है, वही कॉल करें इसके लिए, ठीक है। और वो भी कॉल ना करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, वहाँ से मेरे मोबाइल नंबर उठा के इसकी फ़ोटो खींच लें, स्क्रीनशॉट भेज दें, तो मैं आपको प्राइस और डिटेल व्हाट्सएप कर दूंगा। समझ सकते हैं आप, इसकी पुट्ठा देखो पीछे से, मुर्रा भैंस की तरह पुट्ठा है, देखो आप। वापस लाख को, हाँ लिया लिया। और बहुत शांत स्वभाव की है, बच्चा गोद में लेके चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो भी गाय हमें कोऑपरेट कर रही है। तू सामने मत चल, रखो सामने तो इधर से आऊंगे, हाँ हट जा, देखो आप ले जा। घूम जा, रख दे वहीं, मतलब मैं अमूमन वीडियो 4 मिनट का बनाता हूँ, 5 मिनट मैक्सिमम है, पर इसका 8 मिनट का भी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ऐसा लग नहीं रहा कि वीडियो को बंद कर दूँ। मेरे को जितना ये खूबसूरत है उतना वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही टॉप की क्वालिटी है। और फीमेल काफ के भी कान वगैरह देख लो, उसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया, गाय का ही इतना मन कर रहा है कि आपको हर चीज़ समझाऊं, पर बोलने में नहीं आ रहा, जितनी क्वालिटी गाय में है उतना बोल ही नहीं पा रहा हूँ। टाइसन मैं फिर आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, कम बजट वाले या जिसको एक नॉर्मल दूध के लिए ही गाय लेनी है तो वो कॉल ना करे, इसमें दूध और क्वालिटी, कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें हैं। जिसको टॉप एंड टॉप गाय लेनी है वही इसके लिए कॉल करें, बहुत ही पतली चमड़ी, मजबूत पुट्ठे की गोमाता है, बहुत ही अच्छा पुट्ठा है इसका, अड़ी ले अब इधर।
बस 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 देखो आप।